गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज का मेरा जर्नी है बारनाला से दिल्ली, और मैं इसी शीश महल होटल जो है इसी में रुका हुआ था। और अभी सुबह का बज रहा है 11:30, तो मैं जर्नी स्टार्ट कर रहा हूँ। वार्म अप कंप्लीट हो गया है, बाकी सारे लगेज माउंटेड एंड मैप भी नेविगेशन में लगा दिया हूँ। पॉल्यूशन तो है ही यहाँ पे बहुत, उसके चक्कर में सर्दी वगैरह जुकाम ये सब तो चल ही रहा है यहाँ पे। ये बिल्कुल सही टाइम नहीं है पंजाब विज़िट करने के लिए। तो चलिए दोस्तों जर्नी शुरू करते हैं, बने रहिए मेरे साथ। अभी हम जहाँ से गुज़र रहे हैं, अरे भाई बात करने में मुश्किल है यहाँ तो, सॉरी। अभी हम जहाँ से गुज़र रहे हैं उस जगह का नाम है संगरूर, और मैं अभी NH7 में हूँ। ये संगरूर इसलिए मैं आप लोगों को बताया कि ये है पंजाब CM मिस्टर मन साहब का कॉन्स्टिट्यूएंसी, और उसका नतीजा क्या है कि देखिए यहाँ पे धड़ल्ले से फराली जलाया जाता है, मतलब किसी को कोई डर नहीं, क्योंकि CM का खुद का एरिया है, वोट देके जीता है। तो सारे जो खेत आप देखेंगे चारों तरफ सब काला हो रखा है, कुछ कुछ में अभी भी जल रहा है और मैक्सिमम में जल चुका है, नरक बना के रख दिया है पूरा, मतलब सांस ले नहीं सकते आप, बात करते टाइम गला चोक हो जाएगा, हमेशा लगेगा गला में कुछ फंसा हुआ है। पॉल्यूशन का मतलब हद कर दिया है। मैं भी एक्चुअली चाह रहा हूँ कि कितना जल्दी ये सब एरिया में पार कर जाऊँ, झेला नहीं जा रहा है। मेरा टोटल जर्नी है वो एज पर गूगल है 5.5 घंटे का। तो अभी देखता हूँ मैं कितने बजे तक दिल्ली पहुँचता हूँ। 5 बजे के आसपास पहुँचूँगा तो फिर वही ट्रैफिक जाम से हालत ख़राब होगा। अब जो होगा होगा, देखा जाएगा, अभी से क्या सोचना, अभी रास्ता बहुत बाकी है और एंजॉय करते हैं राइडिंग। इस एरिया को पार करके जाता हूँ, उसके बाद आप लोगों से बात करता हूँ, क्योंकि जितना बात करूँगा, हालांकि मैं ढक के रखा हूँ पूरा मुंह और नाक, फिर भी ये अंदर तो चला ही जाएगा। NH7 को यहीं पे छोड़ रहा हूँ एज़ पर गूगल, और मैं अभी एंट्री लूँगा NH52 में। NH7 का कंडीशन तो बहुत अच्छा था, अब देखते हैं 52 का कंडीशन कैसा है। डिग 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 डिग, ए भाई तेरा काला काला शीशा। चलो ये मेरा हिसाब से NH52 है, मैं आज ये सब जगह होते हुए जाऊंगा। यस, न्यू दिल्ली भी दिखा रहा है 267, जींद भी आएगा रास्ते में, जिसके लिए मैं एक्चुअली बरनाला आया था। मैं शाम को 6 बजे गया जो एयरफोर्स स्टेशन है वहाँ पे सब बंदों से मिलने के लिए। कुछ 2-3 लोगों को तो पता था मैं आ रहा हूँ, बाकी मैक्सिमम को पता नहीं था। तो मुझे देखते ही, मतलब मुझे जो खुशी मिला वो तो अलग बात, बाकी वहाँ पे कम से कम 20-25 लोग होंगे जो इंडिया का अलग अलग जगह से आए हुए थे। ये एक्चुअली इंडिया लेवल का, ऑल इंडिया लेवल का ही कंपटीशन है, तो उसमें जितने भी 20-25 लोग मेरे पुराने पिछला 10 साल से जो राइफल शूटिंग कर रहे हैं वो सब आए हुए थे, तो बहुत अच्छा पल बिताया मैंने वो। मैं भी बहुत खुश, और बाकी जो भी पुराने साथी थे वो लोग भी बहुत खुश थे। तो वो लोग तो मुझे पकड़ के रख दिया था कि नहीं जाना नहीं है, होटल में इधर ही रहना है, लेकिन क्या करूं, मेरा सारा सामान मैंने होटल में छोड़ के आ गया था। तो आखिर मैं लास्ट में 8 बजे के आसपास होटल में रिटर्न कर गया था।
तो दोस्तों एक वाटर ब्रेक, काफ़ी देर से पानी नहीं पिया था और बीच बीच में पानी पीना बहुत ज़रूरी है, बॉडी को हाइड्रेटेड रखना है। ओके, तो ये फुल लाइट सेटअप के साथ कैसा लग रहा है, मैं खुद भी नहीं देखा। ओके, तो कुछ ऐसा लग रहा है, वाह मस्त। इसको भी थोड़ा ऑफ किया, थोड़ा ठंडा होने देते हैं और मैं थोड़ा वाटर इन कर लेता हूँ। वेदर एकदम परफेक्ट है राइडिंग के लिए, बहुत मस्त वेदर है। अभी जींद को मैं पीछे छोड़ के आ गया हूँ, उसके बाद एक लेफ्ट साइड में गूगल ने दिखाया, इस रोड में आया मैं। ये मतलब बहुत हुए है लेकिन कंडीशन बहुत अच्छा है। और अभी मैं जा रहा हूँ, शायद ये रोड जाती है गोहाना करके कोई जगह है उसके तरफ। देखिए, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि गूगल शायद उस रोड से कोई हाईवे में ले जाएगा, वह उल्टा हो गया मेरे साथ, गूगल ने मुझे इस रोड में डाल दिया। खाली तो है बिल्कुल, और खूबसूरत भी है। तो हमेशा हाईवे में टूर करने से अच्छा है कभी कभी ऐसा रोड में भी चला लिया करो, इसका भी अलग आनंद है ना। तो चलिए इस रोड का मज़ा लेते हैं। वाह, ये जगह देख के मुझे मेरा अपना गांव का याद आ रहा है। ये कहाँ से मुझे दिखा दिया था यार, उस रोड से जानू। ओहो, चलो ये मुझसे आज ऑफ रोडिंग कराएगा पक्का। अब देखो खेतों का बीच से जाने के लिए बोल रहा है। यस, चलो हो रहा है ऑफ रोडिंग। लीजिए लीजिए, भरपूर मजा लीजिए। अब इसी खेतों का बीच से मुझे ले जाएगा वो सामने हाईवे दिख रहा है वहां तक, बस कोई ट्रैक्टर वैक्टर ना आ जाए फिर मेरा हालत खराब होगा साइड देने में। यार बड़ा मजेदार रोड में ले आया यार। अरे जियो गूगल जियो, तुमको कैसे पता चला यार मैं एडवेंचर बाइक लेके घूम रहा हूँ। बहुत बढ़िया, बस बारिश का सीजन में नहीं आया इतना ही है, नहीं तो पूरा कीचड़ हो जाता। यूं ही चला चल रहा है। ओह, अब कहाँ जाऊं ये भैया। तू पक्का फंसाने का प्लान करके रखा है मुझे। अरे यार नो, इसमें से अगर गड़बड़ हुआ तो नीचे जाऊंगा, उससे अच्छा है पहले रेकी कर लेता हूँ। ऐसे कौन काट देता यार, आगे भी रोड नहीं होगा।
रोड तो है और काफ़ी मज़ेदार भी है, तो हो जाए। फॉग लाइट ऑफ करता हूँ पहले। ये जगह से एक्चुअली चला के पार तो हो सकता है, बाय चांस कुछ हुआ तो गाड़ी गड्ढे में जाएगी, इसलिए कुछ और प्लान बनाता हूँ। डिश और प्लान मेरा दिमाग में आ गया। कीचड़ तो है, होगा, होने दो। अब दो प्लान है इसका, या तो मैं उसको हाथ से पकड़ के ले जाऊं धक्का देके, या तो मैं ये नीचे उतार दूं। नीचे उतारने वाला ज़्यादा अच्छा है। यस, आपको भी पार करना था क्या? हाँ, एक्चुअली यहाँ पे ना रोड काट दिया है, ये मुश्किल हो गया है। आगे से तो वो चढ़ के शायद जा भी सकते हैं, मुझे लग रहा है। ये शायद बाद में बना दिया होगा, इन लोगों ने काट दिया है। तो एक बार एक दूसरे को थोड़ा हेल्प कर दे, क्योंकि वहाँ से चला के जाना थोड़ा रिस्की है मेरे लिए भी। गिरा तो गड्ढे में गिर जाएगा पूरा। आप थोड़ा उधर से पकड़ लीजिए, मैं इधर से देखता हूँ। ये साला काट दिया ना, ये मुश्किल कर दिया। ये गाड़ी इधर झुकेगा, या तो एक काम करोगे, इसको पीछे कर लेता हूँ। पीछे करके मैं इधर से चढ़ा के निकाल देता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो रहा है, थोड़ा खींचना भाई। हाँ, अरे अरे, तो ना पैर टिक रहा है। और खींचना खींचना ऊपर तक, सोरे बाइक हटो ना भाई। खींचो, हुआ तो है कुछ। ये साला मैप देख के आया, फंस गया। मैप से आ रहा है ना। चलो नीचे उतार देता हूँ। हाँ हाँ, हाँ चलता हूँ। भैया थैंक यू।
दोस्तों कैसा लगा ये ऑफ रोडिंग? हवा निकल गया था। अच्छा हुआ कि वो भाई वहाँ पे मिल गया था, वो हेल्प कर दिया, नहीं तो करता लेकिन मुझे उसमें बहुत एनर्जी जाता और टाइम भी लग जाता। तो जो भी होता है अच्छा के लिए, कुछ सीख मिला, डिसीजन मेरा सही था, मैंने नीचे उतार दिया था। चलिए जर्नी को शुरू करते हैं। क्या मस्त हाईवे है देखिए, उतना मेहनत करने के बाद इस हाईवे में चढ़ के मज़ा आ गया। बहुत मस्त, इसमें तो जो बीच में जो बैरियर है उसमें से कुछ आ ही नहीं सकता क्योंकि ये एलिवेटेड है, जमीन से काफ़ी ऊंचा है, वहाँ कुछ आ नहीं सकता। ये देखिए तीन, ये ही लोग आ सकते हैं। सो कीप वॉचिंग। वाह क्या मस्त लग रहा है, वाओ फुल मज़ा बाइकिंग का। अरे पता नहीं यहाँ का स्पीड लिमिट कितना है, कैमरा तो इतना सारा लगा रखा है लेकिन कम से कम 100 या 110 तो होगा ही मुझे लग रहा है। ये रोड भगवान ने मुझे गिफ्ट दिया, मतलब उतना बेकार रोड से ऑफ रोडिंग करके आने के बाद बोला कि ये लो तुम्हें प्राइज मिलता है, चला लो इस रोड में। थैंक यू। अभी मैं रोहतक बिल्कुल पहुंचने ही वाला हूं और ऊपर देखा लिखा हुआ है यहां से झाझर कुछ 30 किलोमीटर या 32 किलोमीटर लिखा हुआ था। तो झाझर नाम देख के ना मुझे मेरा टाइम का एक गाना याद आ जाता है, आप लोगों को पता है क्या? सुना दूं एक लाइन शुरू का ना, दो चार वर्ड मुझे पता नहीं है, ट्राई करता हूँ, हाँ झेलिए थोड़ा सा मुझे। झाझरिया लला लड़क गई चुनरी भी, सर से सरक गई मेरी नज़र, उससे मिली तो उसकी नज़र शर्मा के झुक गई झाझरिया। तो ये था ना गाना, अब शुरू वाला कुछ वर्ड्स मुझे याद नहीं है, ये सब आप उनका जमाने का गाना है भाई। मुझे लग रहा है मैं कितने बजे पहुंचूंगा घर, 4 बजे के आसपास, बहुत बढ़िया। और रास्ते में कुछ खाने का मेरा मन ही नहीं करता है, जब मैं घर जाता हूँ ना वापस तब मुझे लगता है कि मैं घर पहुंचूं और वाइफ के सामने कुछ फरमाइश रखूं कि डार्लिंग मेरे लिए थोड़ा सा मैगी बना दो, आहा वो मैगी खाने का मज़ा अलग है। तो आज भी मैं वही करने वाला हूँ, इसलिए मेरी वाइफ ने कम से कम 4-5 बार पूछ लिया था कि तुम कितने बजे आओगे, आके तुम खाना खाओगे, उसको पता है मैं आके हमेशा की तरह यही करूँगा, बोलूँगा डार्लिंग मैगी बना दो प्लीज़। स्पीड है, स्पीड कर दीजिए। कितनी बात है यार? कितनी बात है? कितनी बात है मतलब स्पीड कितनी है इसकी? ये 170 तक जाती है। 170 लग गई। हाँ नहीं 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 भगाया मैंने, 130 तक सबसे ज़्यादा मैं गया हूँ बस,
170 में तो राम भरोसे हो जाऊंगा, कुछ हो जाए तो बस गया। और अपना देश में चला नहीं सकते, कहीं भी कुत्ता बैल कुछ भी आ सकता है नहीं। अब मैं लगभग घर के पास पहुंच गया हूं, द्वारका में एंट्री कर रहा हूं। और अभी जो रूट से मैं आया वो भाया नजफगढ़ था। उस जगह पे तो इतना ज़्यादा ट्रैफिक था कि मैं कैमरा ऑन नहीं किया। तो ये जो मेरा 3 दिन का जो टूर दिल्ली से बारोग, बारोग से बरनाला एंड देन बैक टू दिल्ली, ये अब इसको एंड करने का टाइम आ गया है। तो मन तो नहीं करता है लेकिन हर चीज़ का एंड तो होता ही है। मैं सारे सब्सक्राइबर जो भी नए पुराने जो भी हैं सबको मेरा तरफ से बहुत बहुत थैंक्स बताना चाहता हूँ मेरा ब्लॉग्स देखने के लिए। और जो भी नए व्यूअर्स हैं उनसे मेरा वही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। तो जल्दी मिलते हैं अगला मोटो ब्लॉग में, और तब तक के लिए आप लोग बहुत खुश रहिए। गुड बाय।